सो हेलो गाइज, हाउ यू ऑल? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नो बड़ी ऑड टाइमिंग है, रात के 11:10 हो रहे हैं और मैं इस ब्लॉग को अभी चालू कर रहा हूँ। अच्छा, 2 बजे हैं इस ब्लॉग के लिए। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में ये बोला था कि 19 नवंबर को अपना वर्ल्ड कप फाइनल है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है। बट मैंने एक और चीज़ बोला था कि मैंने अपने ओजी सब्सक्राइबर से ये पूछा था कि 19 नवंबर को एक और चीज़ आती है, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करना और बताना क्या आता है, और कमेंट किसी ने करा नहीं। वैसे 19 नवंबर को मेरा बर्थडे आता है, जन्म दिवस, और हर साल की तरह मैं इस बर्थडे को भी ऑफकोर्स ब्लॉग करके एक मेमोरी के तौर पे यूट्यूब पर डाल दूंगा। एज ऑलवेज मैं करता हूँ अपने बर्थडेज और कुछ मेन ओकेजन्स को ब्लॉग करके यूट्यूब पर रख देता हूँ फॉर मेमोरीज। और इस साल तो ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेरे बर्थडे के साथ साथ 19 नवंबर को इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल है, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, जो कि मुझे लगता है कि इंडिया विल विन। एंड आई डोंट नो अब कल सुबह क्या होगा, अभी तो 11 बजे, अभी से कुछ 15 घंटे बाद मैच शुरू होगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल। आई रियली डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट आई थिंक कल का दिन बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहने वाला है। तो अभी क्या है ना, अभी हर बार की तरह मेरे दोस्त और मेरा भाई मेरे लिए केक लेने गए, और उनको ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं है, पर आई एम नॉट अ किड यार, मुझे पता है वो लोग केक लेने गए और अभी बाहर कटवाएंगे मुझसे केक, तो उनका वेट करते हैं। 12 बजने का अभी घंटा भर है और उनके सामने ये एक्टिंग करेंगे कि मुझे नहीं पता, बट आप सबको पता है मैं गुड एक्टर। सो मैं धीरे और इसलिए बोल रहा हूँ कि घर में सब सो रखे हैं, 11 बजे ना रात के, शरीफ लोग सो जाते हैं इतने बजे तक, मैं नहीं सोया। पर कहाँ गया था? क्या हो गया? बोल रहा था गर्म था वो जब काट लेंगे। अरे तो हम दोनों भाइयों ने मिल करके मेरा बर्थडे बना लिया, केक मंगा लिया था इसने, तो केक मंगा लिया था इसने और हम दोनों ने केक खा लिया, आइसक्रीम केक था, टेस्टी था। चलो अब मैं सुबह मिलता हूँ आपसे, अभी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं उनको अटेंड करके। हैप्पी बर्थडे टू मी। गुड मॉर्निंग गाइज एंड या हैप्पी बर्थडे टू मी, इट्स द वर्ड बर्थडे ब्लॉग। तो अभी तो 6:30 होने वाली है पर मैं उठ गया था 4:30 क्योंकि आज मम्मी चाहती थी कि मैं उनके साथ में सुबह 4 बजे मंदिर जाऊँ और मंगला आरती करें और दीप जलाएं और भगवान की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। मैं अपने 21वें साल के अंदर कदम रख रहा हूँ जिंदगी के, 21 साल का हो गया हूँ मैं, लिटरली मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा है, मतलब रियलाइज सा नहीं हो रहा है कि मैं लव कौशिक 21 साल का हो गया हूँ। मतलब जब मैं 12, 13, 15, 16 साल का था तब मैं ऐसे लोगों को देखता था 21-22 साल, तो मुझे बड़े 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 लगते थे वो लोग, अब मैं भी वो बन गया हूँ बड़ा आदमी, मतलब एज में बड़ा आदमी, पता नहीं वैसे कब बोलूँगा। तो ये आवाज़ आपको आ रही है मेरे पापा की, मेरे पापा रोज़ जल्दी उठ करके पूजा करते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं मेरे मम्मी पापा दोनों, मम्मी मंदिर चल जाती है, पापा यहाँ पूजा करते हैं और हम लोग सोते रहते हैं। बट आज मम्मी ने बोला कि आज तू भी मेरे साथ में मंदिर चलेगा, और सुबह 4:30 उठा के ठंडे पानी से नहीं ला के मम्मी मुझे मंदिर लेके गई और वहाँ से पूजा करी। वहाँ पे बहुत सारी आंटियाँ भी आई थी जिनके आशीर्वाद मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्टार्ट बोलूँगा मेरे दिन का, और उन सब ने हमने मिलकर मुझे थोड़ी थोड़ी खर्ची भी दी। बट ऑफकोर्स मैं इन पैसों को कभी खर्च नहीं करूँगा, इनको संभाल के रखूँगा, बिकॉज ऐसी ऐसे जो नोट होते हैं, ऐसे पैसे मुझे मिलते हैं, इनको मैं ब्लेसिंग के तौर पे अपने पास संभाल के रखता हूँ। मेरे पास एक रुपये का नोट है जो मुझे दादा ने बहुत पहले दिया था। चलो अभी अपन अपनी जर्नलिंग कर लेते हैं, मैं बर्थडे जर्नलिंग करता हूँ, जो कि मैंने लास्ट ब्लॉग में, मेरा लास्ट जो बर्थडे ब्लॉग था उसके अंदर भी करी थी, वही सेम चीज़ मैं करूँगा नोशन के ऊपर लैपटॉप में, तो उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल भी है, हिस्टोरिक मोमेंट कैप्चर होगा आप सबके लिए और मेरे लिए और मेरे आने वाले बच्चों और पोतों के लिए इस ब्लॉग में। देखो अब देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 20 साल का हुआ था पिछले साल 19 नवंबर 2022 के अंदर, मैंने एक खुद के लिए एक छोटा सा नोशन के ऊपर एक मैसेज लिखा था, जो कि मतलब ऐसा था, दिखता था टर्निंग 20 और यहाँ पे डेट वेट लिखी और इसके नीचे आके मैंने तो ऐसा ही मैं अब वापस लिखूँगा टर्निंग 21 और ख़ुद के लिए एक मैसेज, जो मैं अगले साल जब 22 साल का हूँगा तब मैं उसको पढ़ूंगा और पता नहीं क्या फील करूंगा, वो तो अभी लिखने के बाद पता चलेगा, पहले इसको पढ़ूंगा देन नेक्स्ट लिखूंगा। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें, ऐसे खुद को कुछ टास्क देना, खुद को
यू नो कुछ मैसेज देना कि अभी ऐसा फील कर रहा हूँ, अगले साल भी ऐसा ही फील करना चाहिए, या यू नो ऐसा कुछ. समझ गया आई थिंक आप लोग. तो मैं अपना ये काम करता हूँ, देन आपसे मिलते हैं. आज भारत जीतेगा तो हम पटाखे छोड़ेंगे. हाँ है ना, आज पार्टी है ना, हमारे घर पे ही है. भारत का देखना पक्का है, दिख रहा है हमको, उनके गेम से ही पता चल रहा है. तो बस आज आ जाओ पनीर लबालब खाने घर पे हमारे. तो क्या खाओगे फिर, क्या खाओगे तो बताओ, आप बताओ क्या खाना. तो इससे पहले कि मुझे भूल जाता कि मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ, मैच देखते ही याद आ गया. वैसे अभी मैच शुरू नहीं हुआ, अभी टॉस होगा. मैं बैठ गया वैसे मैच चला करके, देखते हैं टॉस कौन जीतता है. और रोहित शर्मा अगर जीतता है तो फिर क्या लेता है इंडिया टीम. डूड आई एम लिटरली वेरी एक्साइटेड यार, लिटरली भाई. आज बाहर सब बंद होने वाला है और सब बैठ के मैच देखने वाले भाई. बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, 4:30 से 6 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली मुझे कहीं काम से जाना है. वो मुझे एक थोड़ा खटक रही है चीज कि आज ही वो काम क्यों आया, पर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं. तो वो मुझे मैच छोड़ के वहां जाना पड़ेगा. और आई थिंक मैं घर पे 6:45 तक आ जाऊंगा वापस. तो आई थिंक एक इनिंग तो मैं आधी से ज्यादा देख पाऊंगा और दूसरी इनिंग तो पूरी 100% देखूंगा ही. बट आई एम प्रीटी लिटरली वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड यार फॉर दिस मैच. ओके, तो अपन बैटिंग करेंगे, चेस करने का सोच रहे थे बट अपन टारगेट देंगे. ओ माय गॉड लिटरली यार. तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गई, टॉस जीत, शिट मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गई और बॉलिंग करनी है इनको. डूब शिट, ओके नो प्रॉब्लम, विल विन, विल 100% विन, देख लेना अपन जीतेंगे इसके. ऐसे एक्साइटेड हमारे हमारे दर्शकों को बताओ क्या लगता है आपको, भारत जीतेगी? भारत जीतेगी. और कुछ? बस बहुत बढ़िया खेलेगी. हाँ बस दादा ने बोल दिया ना, आप जीत जाएगी. कैसा गाइस, रात को तो रात को तो आया नहीं. अरे यार भाई, और ये बहुत तड़कता भड़कता नहीं, बच गया चौका, बच गया. रोहित भाई तो ऐसे मारते हैं आकर के. अभी देखो रात को मेरी मजबूरी थी, नहीं मैं सोया नहीं था, जग रहा था. पापा आने ही वाले थे उस समय, पापा से थोड़ा सा डर था. बड़ा ही खौफनाक मंजर चल रहा है फिलहाल मैच में. रोहित भाई के आउट होने से पहले ही जस्ट मैंने बोल दिया कि 47 बना लिए, आउट ना हो जाए, एंड आउट हो गए. श्रेयस आते आउट हो गया. ओह, और सबसे पहले तो अपने गिल भाई साहब गए भाई, लिटरली मुझे धक धक हो रहा है. नहीं हार सकते ब्रो, जीतेंगे जीतेंगे. शमी है ना, शमी बचा लेगा. शमी के ठीक पीछे 22 विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए इस प्रतियोगिता में. ओके तो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था मुझे काम से बाहर जाना था, तो अभी वापस घर जा रहे हैं. एक इनिंग पूरी हो चुकी है, 240 रन, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन से कम थे बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी विल सी द सेकंड इनिंग एंड होपफुली एक अच्छा डिफेंस सिस्टम बनाएगा इंडिया. और शमी के ऊपर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए पर है, अब क्या करें. अभी घर चलते हैं और फिर लेट्स सी व्हाट विल हैपन ब्रो, बाय. सो वी आर एट होम और अभी 240 का टारगेट मिला है ऑस्ट्रेलिया को, एंड आई एम रियली वेरी नर्वस. लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फील्ड पे खेलने जाने वाला हूँ, बट आई एम एक्साइटेड टू, आई एम नर्वस बिकॉज इतना पास आकर के वी डोंट वांट टू लूज यार. मैं लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ, मेरे को एग्जाम है.
ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखते हैं अपन कितना अच्छा डिफेंस करते हैं। इन लोगों ने भाई क्या तगड़ा डिफेंस करा यार, किसी के चौके छक्के नहीं पड़ने दिए यार। पिच का भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था, पिच भी थोड़ा सा स्लो हो गया। एज यू गाइस नो, इफ यू डोंट नो, मैं बताया था मैं टाइकोंडो ब्लैक बेल्ट हूँ। हमारा टाइकोंडो एसोसिएशन जो है राजस्थान का, वो एक स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन में बच्चों का डेमो था। उस डेमो को मैनेज करने मुझे और मेरे भाई को जाना पड़ा, हमारे सीनियर भी थे वहां पर, तो उनकी हेल्प करने हमें जाना था एंड उसको हम मना नहीं कर सकते, इसलिए मुझे बीच में मैच छोड़ करके जाना पड़ा। मैं आई थिंक 5 से 6 वहां पर था और अभी 6:30 बज रहे हैं, मैं घर पर हूँ। बाकी अगर आप फिर भी चाहते हो ना, भूल गए हो मुझे विश करना, कोई बात नहीं, इंसान की फितरत होता है भूलना। मुझे अभी कमेंट में विश कर दो नीचे जाके, इससे थोड़ा सा एंगेजमेंट भी बढ़ जाएगा वीडियो। और मुझे गिफ्ट देना चाहते हो अगर आप वर्चुअली, तो इस वीडियो को एक बंदे के साथ शेयर जरूर कर देना। ये मेरा गिफ्ट भी हो गया और आपने विश भी कर दिया, ठीक है। कितना गंदा आदमी हूं ना मैं। शिट मैन, पहली बॉल पे चौका हो गया क्योंकि फर्स्ट स्लिप पे तो खड़ा है विराट कोहली, सेकंड स्लिप पे के लिए थोड़ा सा आगे आके शायद वो डैमेज था विराट कोहली के पास ही गया। तो मेरे ख्याल में छोटा पल शामी कर रहा है, शामी ओ आउट, आउट है, आउट है, आउट। हां ये चटपटा रहे थे डेविड वॉर्नर, जानते थे मोहम्मद शामी खतरा है और ये कोहली भाई ने आउट कर दिया। पहली ओवर में वो कैच छोड़ा था भाई, कोई मैच जिता सकता तो वो शमी है। अच्छी बात है, के एल राहुल यार अच्छा एक विकेट कीपर है लिटरली, मतलब उसके प्रेडिक्शन काफी अच्छे होते हैं। आई लव हिम एज अ विकेट कीपर। और अभी विल कट द केक, केक आया हमारा, ये वो है रसमलाई है। 456 हमारे मोदी साहब भी आए। ओए गाइस, सो अभी मेरे जन्मदिन के लिए मैं घर पे जिगरियों को बुलाता हूँ, एक ये जिगरी तू निकल रहे अभी बाद में, और तू निकल पागल। दोस्तों देखो, वतन सबसे पहले आता है दोस्ती से, तो हमारे ऐसा क्या है ना, ये पनौती टाइप से जब भी जाता है तो मैच थोड़ा अच्छा जाता है, तो इसलिए मुझे अपने दिल पे फत्ता रख के तो नहीं, लेकिन हाँ कहना पड़ रहा है कि राहुल निकल जा। ओ सॉरी राहुल नहीं निकल, वैसे भी अपने बहुत बुरे हाल चल रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है मैच देख देख के, मेरा तो धक धक हो रहा है। अगर जीत गए ना तो दिवाली बनानी अपन, अगर जीत गए ना तो मैं तुझसे जिंदगी में नहीं मिलूंगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, मिलूंगा चल जा। तो जॉयल सबसे छोटे अपने ग्रुप के अंदर, सही है, चल अब जाए यार, वो शुरू होने वाला। देखो गाइस, अगर हम इन तीनों में जो कड़ी है ना हम लोगों की, वो ये लव ही है, मतलब हमारे पूरे ग्रुप को संभाल कर रखता है ना, तो ये कोई भी कुछ भी अपनी पर्सनल बात तेरी पर्सनल जिंदगी का है ये बता तू मेरे को, सारी तो उसको क्या करता है पर्सनल में, तू मुझे वो बता, जो करता वो तू बताया था मेरे को। कुछ हो गया मेरे को तो किसी एंगल, चल वो ओवर चालू हो गया, बाद में बदतमीजी कर रहा है यार, बहुत बदतमीजी। डिसअपॉइंटमेंट सी हो रही है, उम्मीद भी हार चुके हैं हम, अपने अगला वर्ल्ड कप जीतेंगे अपन, बन नहीं आ रहे अभी अपन, जीतेंगे जीतेंगे यार, पर कितना बुरा लग रहा है यार, सारे बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताऊं गलती किसकी है, इनकी गलती नहीं, ये पनौती नहीं है, ये दिन ही ऐसा है, ये जन्मदिन जिसका है ना ये उसकी गलती है। ब्लॉगिंग टाइम पर लोग मुझे बॉयकॉट कर देंगे, तो पैदा कैसा हो गया तेरा, आ गया बैठ रहा है इंडियन टीम पे यार, लिटरली यार, मतलब आज जीत जाते मजा आते हैं, अभी भी चल रहा है मैच, बॉल होगी 50 बॉलों के अंदर 11 रन चाहिए यार,
वो पहले गले मिल रहे हैं कि जीत गए जीत गए। अभी तो लव को उतार दो तुम फील्ड पे, लव जिता के आ जाएगा उनको। कुछ भी कुछ भी अपन नहीं घर का वर्ल्ड कप है ना, इनको इनको कितना बुरा लग रहा है, देख रो रहा है जो एक बढ़िया जो दिल टूटे उनमें से हम सबके भी दिल मौजूद है।